सो हेलो गाइस, ट्रिप कोको की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जिको और बेलमोर चैंपा क्विटेला को मारने के लिए आता है, मगर वजीटा वहां आता है और उन तीनों के लिए जिकोर से फाइट करता है और जिकोर को लड़ाई में हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि कोकू सुप्रीम काई को उस विच की सारी बात बता देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मुझे पता है ये नाम जाइकोर है और मैं जिकोर क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जैसे टॉप को मैं टोपो बोलता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें बहुत मेहनत लग रही है रोज रोज लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने में, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम काई कहता है, तो कोकू तुमने सब कुछ अगर चेक कर लिया है और तुम उस विच से बहुत फ्रेंडली हो ही चुके हो, तो डर किस बात का, जाओ अब। गोकू कहता है, जी सुप्रीम काई, अगर कोई और काम हो तो मुझे जरूर याद करना। सुप्रीम काई कहता है, मैं किंग काई से कहकर तुम्हें बुला लूंगा। गोकू कहता है, ओके तो मैं चलता हूँ। अब गोकू वहां से चले जाता है। सुप्रीम काई कहता है, कमाल है किंग काई, इतनी पावर होने के बावजूद भी गोकू में कोई एटीट्यूड नहीं है। किंग काई कहता है, वो तो है सुप्रीम काई, गोकू भले ही एक सेन है मगर वो बहुत ही शांत है और दयालु भी। सुप्रीम काई कहता है, हाँ मुझे उसके बारे में सब पता है। अब सेन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, अरे यार कल तो वजीटा का नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनने वाला कॉम्पिटिशन है, कल मुझे जल्दी जाना होगा। अब सेन जाता है बीरस और विश पर। विश कहता है, लॉर्ड बीरस कल तो वोटिंग होगी है ना। बीरस कहता है, हाँ विश, वैसे मुझे वहां जाने का मन तो नहीं कर रहा है। विश कहता है, क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, कुछ नहीं ऐसे ही, चला मुझे सोने जाना है। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो सोच रहा होता है, अब मुझे समझ आ गया कि लोग कैकरोट के साथ क्यों हैं, क्योंकि कैकरोट सबकी मदद करता है और आज मैंने उन तीनों की मदद करी तो मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिली, लेकिन कल का कॉम्पिटिशन मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। खैर छोड़ो, कल की कल ही देखेंगे। अगले दिन ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो सभी डिस्ट्रॉयर क्या यहाँ आ चुके हैं? सिड्रा कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, वेरी गुड, वैसे मेरे पास ये सब करने के लिए फुर्सत नहीं है, मगर क्या करें, हम अपनी ड्यूटी से पीछे तो हट नहीं सकते। अब गोकू वजीटा की तरफ देखता है और बोलता है, हे वजीटा ऑल द बेस्ट। वजीटा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम दोनों चुप होकर मेरी बातों में ध्यान लगाओगे? गोकू कहता है, कंटिन्यू ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो सभी डिस्ट्रॉयर्स आप सभी को बताई है कि अपना डिसीजन लेकर आप लोगों को किसी एक को नंबर वन चूज करना है, और जो यहाँ पर नंबर वन चुना जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉयर नंबर वन हो जाएगा। ओके, चैंपा बोलता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो ठीक है, मैं तुम सभी को थोड़ी देर बात करने का मौका देता हूँ, तब तक तुम सभी अपना डिसीजन रेडी कर लो। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आपको क्या लगता है कौन होगा नंबर वन? बीरस बोलता है, जब करो। गोकू कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं वजीटा से बात करके आया। बीरस कहता है, गोकू रुको। अब गोकू वजीटा के पास जाकर कहता है, हे वजीटा, मुझे पता है कि इस कंपटीशन की वजह से तुम्हारी हालत टाइट है। वजीटा कहता है, क्या तुम यहीं पिटना चाहते हो या फिर बाहर? गोकू कहता है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम इस कंपटीशन को आराम से जीत सकते हो। वजीटा कहता है, अच्छा अगर वो कैसे? गोकू कहता है, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयर को ये बोल दूँ कि सभी वजीटा को वोट देना, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा। वजीटा कहता है, कैकरोट क्या तुम्हें यही जगह मिली मुझे छिड़ाने के लिए? गोकू कहता है, क्या करूं यार, थोड़ा बोर हो रहा था। वजीटा कहता है, वैसे क्या तुम ऐसा सच में कर सकते हो? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वजीटा कहता है, विश इसे लेकर जाओ। गोकू कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ। वजीटा कहता है, पता नहीं ये ग्रैंड मिनिस्टर कब आएंगे। बेलमोर कहता है, आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है, आज मैं नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस कल आपको कहीं लॉर्ड वजीटा की ही तो टेंशन नहीं थी। बीरस कहता है,
तुम सही कह रहे हो विश, चलो देखते हैं कि क्या होगा। तभी वहां पर आ जाता है ग्रैंड कृष्ण और वो कहता है, तो क्या सभी ने अपना डिसीजन ले लिया है? तभी बेलमोर बोलता है, जी हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, हम सभी का डिसीजन रेडी है, आप आगे की प्रोसेस शुरू कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले सिड्रा तुम बताओ किसे वोट देना चाहोगे? सिड्रा कहता है, मैं बेलमोर को चुनता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, लीकर तुम किसे चूज करना चाहोगे? लीकर कहता है, मैं भी बेलमोर को ही चुनूंगा। अब बेलमोर स्माइल करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है कि यहाँ पर बेलमोर का साथ देने वाले बहुत हैं। बेलमोर स्माइल करके कहता है, अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप भी ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जिन अब तुम्हारी बारी। जिन कहता है, मैं भी बेलमोर को वोट देता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेरी गुड, बेलमोर 3 वोट है तुम्हारी तरफ। बेलमोर स्माइल कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा अब तुम बताओ कि तुम किसे वोट देना चाहोगे? मैं खुद को वोट देना चाहूंगा ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा। बेलमोर कहता है, हा 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 ग्रैंड मिनिस्टर, इसे खुद पर ज्यादा ही विश्वास है, इसलिए ये 1 वोट से ही जीतेगा। वजीटा कहता है, सही कहा तुमने बेलमोर, अगर खुद पर विश्वास हो तो वो 1 वोट भी तुम्हें सबके सामने विजेता बना देगा। बेलमोर कहता है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं। तुम्हें वोट्स मिल रहे हैं ना, तो अपना काम करो, समझे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बस बस झगड़ा नहीं। बेलमोर अब हंसने लगता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वजीटा ने तो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है। बीरस कहता है, हाँ विश, देखना एक दिन वजीटा बहुत आगे जाने वाला है। आपकी ये बात तो मुझे भी सही लग रही है। गोकू कहता है, विश तुमने वजीटा पर कोई जादू कर दिया है क्या? बीरस बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि वजीटा को बस गुस्सा ही आता है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो हेलस अब तुम बताओ कि तुम किसे वोट देना चाहोगी? हेलस कहती है, मैं वजीटा को वोट दूंगी ग्रैंड मिनिस्टर। वजीटा कहता है, 1 वोट मेरी तरफ आ गया। विश कहता है, लॉर्ड बीरस। बीरस कहते हैं, हाँ विश, मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। गोकू कहता है, वाह वजीटा को वोट मिल गया। बेलमोर कहता है, 1 वोट लेकर क्या खुश हो रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, म्यूल तुम बताओ तुम किसे वोट दोगे? म्यूल कहता है, मेरा वोट वजीटा की तरफ जाता है। गोकू स्माइल करता है, अरे वाह वजीटा को 2 वोट मिल गए। बीरस स्माइल करने लगता है। बेलमोर कहता है, अरे ज्यादा खुश मत हो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, एराक और इवान तुम दोनों बताओ तुम किसे वोट देना चाहोगे? एराग और इवान कहते हैं, हम दोनों वजीटा को वोट देंगे। ये सुनकर वजीटा स्माइल करता है। बेलमोर कहता है, क्या ये पागल हो गए हैं? बीरस कहता है, विश अब मजा आ रहा है, मेरी टेंशन अब जा रही है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस वजीटा को 4 वोट मिल गए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, 4-3 स्कोर हो चुका है। वजीटा बोलता है, बेलमोर अब तो तू गया। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, रमशी अब तुम्हारी बारी है। रमशी कहता है, मैं बेलमोर को वोट देना चाहूंगा। बेलमोर हंसता है, ये हुई ना बात। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, स्कोर 4-4, अब बेलमोर तुम्हारा वोट बताओ। बेलमोर कहता है, मैं खुद को वोट दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, दोनों ने खुद को वोट किया है, इसलिए स्कोर है 5-5। गोकू अब ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या लॉर्ड बीरस, अब क्या होगा? बीरस बोलता है, इस रमशी ने गेम बिगाड़ दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब बच गए 2, चैंपा और क्यूटेला। वजीटा अब सीरियस फेस बना लेता है। बेलमोर हंसने लगता है, वजीटा ये कॉम्पिटिशन तो मैं जीत गया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तो अब तुम दोनों भी अपना डिसीजन बता दो कि तुम किसे जिताना चाहते हो। बेलमोर कहते हैं, वजीटा आज पहली बार मैं तुम्हें किसी चीज में हरा दे रहा हूँ। तभी वजीटा स्माइल करता है और कहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेलमोर पूछता है, क्या मतलब? तभी चैंपा और क्यूटेला कहते हैं, हमारा वोट वजीटा की तरफ जाता है। बेलमोर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है, नहीं।
गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वजीटा जीत गया मेरा दोस्त। बीरस कहता है, देखा विश, उसने कर दिखाया। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और आज के हमारे विनर है द वन एंड ओनली वजीटा, द नंबर वन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कंग्रेचुलेशन नंबर वन डिस्ट्रॉयर। वजीटा कहता है, थैंक यू ग्रैंड मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों, क्योटिला और चैंपा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। चैंपा कहता है, धोखा तो तुमने हमें दिया है, तुमने हमें कई बार धोखा दिया है, और कल तो तुमने हमें मरने के लिए उस सेन के आगे छोड़ दिया था, और तब से तुम हमारी नजरों में गिर गए। बीरस बोलता है, ये कौन से सेन की बात कर रहा है विश? विश कहता है, सेन के बारे में तो गोकू को ज्यादा पता होगा। गोकू कहता है, अब कौन सा सेन आ गया? चैंपा कहता है, वजीटा ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम भी आज जिंदा नहीं होते। गोकू पूछता है, वजीटा ये कौन सा सेन था? वजीटा कहता है, अरे नहीं, बस ऐसे ही कोई पागल आ गया था। बेलमोट कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया चैंपा। क्यूटेला स्माइल करता है और बेलमोट को चिढ़ाते हुए कहता है, जैसे को तैसा मिला। बेलमोट कहता है, बस अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिंस गुस्से में कहता है, अपनी औकात में रहो बेलमोट, ये मत भूलो कि तुम किसकी जगह पर खड़े हो। जाने दीजिए फादर, जब लोग हार जाते हैं तब अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है, वजीटा अपनी जीत पर क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? वजीटा कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जीत की वजह है वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्हीं की वजह से मैं इस काबिल बना कि आज मैं नंबर वन डिस्ट्रॉयर की पोजीशन पर खड़ा हूँ। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वजीटा तो जेंटलमैन बन गया है। बीरस कहता है, हाँ, आज मुझे भी वजीटा के अंदर एक लीडर नजर आ रहा है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, वजीटा, नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएगी। वजीटा कहता है, हाँ मुझे मालूम है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना डिस्ट्रक्शन का काम तो करूँगा ही, मगर मैं सभी लोगों की प्रोटेक्शन भी करूँगा। मासूम लोगों पर अब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और अब मैं सभी गॉड्स का लीडर हूँ, तो इनकी सिक्योरिटी करनी भी मुझे ही पड़ेगी। गोकू कहता है, वेरी गुड वजीटा। वजीटा बोलता है, और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अब उनसे दुश्मनी है, मैं उन्हें भी सपोर्ट करूंगा और सभी डिस्ट्रॉयर को बहुत कुछ सिखाऊंगा। पीरस बोलता है, शाबाश वजीटा। चैंपा कहता है, तो ग्रैंड मिनिस्टर, अब वजीटा जीत ही गया है, तो अब हम डिस्ट्रॉयर हाकाई गेम खेल ले। गोकू कहता है, हाकाई गेम, ये क्या होता है? बीरस कहता है, गोकू, ये हम डिस्ट्रॉयर तब खेलते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या कोई जंग जीत के आते हैं। गोकू कहता है, तो ठीक है, मगर इसमें होता क्या है? बीरस कहता है, इसमें सभी डिस्ट्रॉयर मिलकर एक बंद जगह में अपनी हकाई बॉल एक दूसरे पर मारते हैं। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या क्या ये सच है लॉर्ड बीरस? और क्या वजीटा को इसके बारे में पता है? वजीटा कहता है, हकाई गेम, ये कैसा गेम है? चैंपा बोलता है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो ठीक है, आप सभी एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। क्यूटेला कहता है, बेलमोट जोकर, गेम में मत आ जाना वरना बहुत पड़ेगी, पहले बता दे रहा हूँ। बेलमोट कहता है, मुझे नहीं खेलना कोई गेम। अब बेलमोट भी वहां से चला जाता है। चैंपा कहता है, ओए बीरस, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? बीरस बोलता है, क्या मैं? विच बोलता है, लॉर्ड बीरस, अब आपकी धुलाई पक्की है। चैंपा कहता है, ओ चलो भी, अब इतने भी बूढ़े नहीं हुए हो तुम। बीरस स्माइल करके कहता है, ये बात बोल के तुमने पहले वाला बीरस जगा दिया है, चलो मैं भी आ रहा हूँ। गोकू कहता है, विच, ये गेम तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। विश कहता है, गोकू, वैसे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर की पार्टी है, तो तुम जा सकते हो। गोकू कहता है, ठीक है विश। अब गोकू वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गोकू कहता है, अरे हाँ, मुझे तो जिनीबा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना था, चलो मैं वहीं पर जाता हूँ।
अब गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा आता है जिनीबा के घर में। गोकू कहता है, लेडी जिनीबा, हेलो, क्या आप है यहाँ पर? मगर गोकू को वो लेडी नजर नहीं आती। गोकू कहता है, लेडी जिनीबा तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ जा सकती है? तभी लेडी जिनीबा वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? गोकू बोलता है, आप यहाँ, मगर अभी तो आप यहाँ पर नहीं थी। जिनीबा कहती है, मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू कहता है, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। जिनीबा कहती है, ओ मैं तो भूल ही गई थी। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी तरह जादूगर बनना है? गोकू कहता है, नहीं मुझे ये जादू नहीं सीखना। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है और घर के बाहर से आवाज लगाता है, ओए विच, बाहर निकलो इस घर से। गोकू कहता है, ये तो वेजिटा की आवाज है, आप यहीं रुकिए, मैं देखकर आया। वेजिटा बोलता है, बाहर आते हो या नहीं? गोकू अब बाहर आके कहता है, वेजिटा वेजिटा शांत रहो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेजिटा पूछता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बताओ तुम इस विच के घर में क्या कर रहे थे? गोकू कहता है, वो मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आया था। वेजिटा बोलता है, क्या ट्रेनिंग, वो भी एक विच से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गोकू कहता है, मगर हुआ क्या है? वेजिटा कहता है, ये विच हमारी यूनिवर्स के लिए सही नहीं है, इसलिए मैं इसे आगाही करने आया हूँ। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वेजिटा ये क्या कह रहे हो, आखिर क्यों तुम उन्हें मारना चाहते हो? वेजिटा कहता है, क्योंकि वो विच बहुत ही चालाक है और लोगों को बातों में फंसाकर वो अपनी चाल चलती है। गोकू कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो? वेजिटा बोलता है, कैकारोट तुम मेरे सामने से हटो। गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, मैं उन्हें बाहर ले आता हूँ, हम बात करेंगे उनसे। अब गोकू घर के अंदर जाता है। वेजिटा कहता है, आज मैं उस विच को छोड़ूंगा नहीं। गोकू कहता है, लेडी जिनीबा, मगर जिनीबा वहां पर नहीं होती। गोकू कहता है, अब कहां गई वो? वेजिटा कहता है, कैकारोट जल्दी बाहर आओ। गोकू अब बाहर आके कहता है, वेजिटा वो तो अंदर है ही नहीं। वेजिटा कहता है, क्या होगी वो वहाँ? तुम्हें शायद पता नहीं कि अपनी ड्यूटी में मैं इसे ही ढूंढ रहा था काफी सालों से, और आज मुझे मौका मिला था उसे मारने का, मगर तुम सबकी बातों में आ जाते हो। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे साफ साफ बताओ कि उस विच ने ऐसा किया क्या है? वेजिटा कहता है, वो विच लोगों को मारकर उनकी जिंदगी लेकर जिंदा रहती है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, अब वो ज्यादा देर तक मुझसे बच नहीं सकती है, फिलहाल मैं इस घर को उड़ा ही देता हूँ, इसलिए पीछे हट जाओ। अब वेजिटा वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। वेजिटा कहता है, क्या करो चलो यहाँ से। अब गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है बीरस पर और वो अपने प्लैनेट पर होता है। बीरस कहता है, विश आज तो मजा ही आ गया, सच में डिस्ट्रॉयर की पार्टी मजेदार होती है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस अभी तो आपकी पार्टी खत्म नहीं हुई है। बीरस कहता है, क्या सच में? विश कहता है, हाँ, क्योंकि बुलमा ने वेजिटा के नंबर वन डिस्ट्रॉयर की खुशी में एक पार्टी रखी है। बीरस कहता है, अरे वाह, तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे सीधा वहीं ले जाते ना। विश कहता है, अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा वक्त है। सीन जाता है वेजिटा पर और गोकू पर। वेजिटा कहता है, कैकारोट ये बताओ कि तुम उस विच से कैसे मिले? गोकू कहता है, मुझे तो सुप्रीम काई ने बताया था। इसका मतलब सुप्रीम काई को उस विच के बारे में पता था। मैंने उससे उस विच की बात क्या छुपा दी, वो काई चला जेम्स बॉन्ड बनने, उसे तो मैं। गोकू कहता है, वेजिटा मैंने उनके बारे में पता किया था, वो सच में बुरी नहीं है। वेजिटा कहता है, कैकारोट अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग कैसा है, तुम लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हो, इसलिए सभी तुम्हारा फायदा उठाते हैं। गोकू कहता है, मगर ऐसी बात है तो मैं उस विच को छोड़ूंगा नहीं। वेजिटा कहता है, उस वक्त तो उसे मारने दिया नहीं, अब बोल रहे हो छोड़ूंगा नहीं। गोकू कहता है, वेजिटा इस बारी कोई मिस्टेक नहीं होगी। वेजिटा कहता है, याद रखना कैकारोट, अगर तुम्हें वो विच दिखाई देती है तो सबसे पहले तुम उसे खत्म करोगे, समझ गए ना? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, अब जाओ, बुलमा ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है। गोकू कहता है, बुलमा ने पार्टी रखी है? वेजिटा कहता है, हाँ,
उसे अपना पैसा खर्च करने का बड़ा शौक है। गोकू कहता है, तुम किस्मत वाले हो वजीटा, तुम्हारे पास इतना पैसा है। वजीटा कहता है, काहे का पैसा, मेरा हिसाब तो लाल डायरी में चलता है। विश, अब कितनी देर लगाओगे, हमें कहीं देर ना हो जाए। विश कहता है, नहीं लॉर्ड पीरस, मैं आपको करेक्ट टाइम पे वहाँ पहुँचा दूंगा। अब टीम जाता है गोकू पर और वो बुलमा से मिलता है। गोकू कहता है, बुलमा कंग्रेचुलेशन, तुम नंबर वन डिस्ट्रॉयर की वाइफ हो गई हो। बुलमा कहती है, होता कैसे नहीं, मैंने जो उसे सपोर्ट किया था। गोकू कहता है, क्या तुमने उसे सपोर्ट किया था, मगर कैसे। बुलमा कहती है, यहाँ पर उसका रहना, सोना, खाना पीना, कपड़े, सभी का खर्चा मैं ही तो उठाती हूँ, तो हुआ ना मेरा सपोर्ट। गोकू कहता है, ओ ऐसा है, फिर तो पक्का तुम्हारा ही सपोर्ट है। वैसे वजीटा ने मुझे वो लाल डायरी वाली बात बता दी है। बुलमा कहती है, गोकू चुपचाप रहना वरना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हें पार्टी से बाहर करने में। गोकू कहता है, अरे गुस्सा क्यों होती हो, मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ। अब वहाँ मिस्टर सैटन और बू आ जाते हैं। मिस्टर सैटन कहता है, अरे वाह बुलमा, वजीटा ने तो नाम रोशन कर दिया है। तभी बू कहता है, खाना कहाँ है। मिस्टर सैटन बोलता है, अरे चुप करो बू, बुलमा वजीटा ने पहले ही गॉड बनकर हमें गर्व महसूस करवाया था और अब नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनकर तो उसने अर्थ का नाम रोशन कर दिया है। बू कहता है, खाना कहाँ है। मिस्टर सैटन कहता है, मिलेगा बेटा मिलेगा, अगर चुप नहीं हुए तो मेरा मुक्का मिलेगा। वैसे बुलमा वजीटा कहाँ है। बू कहता है, खाना कहाँ है। मिस्टर सैटन कहता है, अरे बबल गम, आखिर कब तक झेलूंगा मैं तुझे। बू कहता है, क्या कहा। मिस्टर सैटन कहता है, बू बेटा 5 मिनट रुक जाओ, फिर तुम्हें मैं सब खिलाऊंगा। बू कहता है, बू को अभी खाना है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और बोलता है, कौन है ये बदतमीज जो मेरे आने से पहले खाना मांग रहा है। मिस्टर सैटन कहता है, अरे लॉर्ड पीरस, आप यहाँ आए हो। बीरस कहता है, ये तो वही बबल गम है ना जो मुझे पुडिंग देने से मना कर रहा था। बू बीरस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। बीरस कहता है, वैश तुम यही रुको, मैं अभी इस बबल गम को खाकर आता हूँ। मिस्टर सैटन कहता है, अरे नहीं लॉर्ड पीरस, आप शायद भूल गए कि आपने उस पुडिंग का बदला बू से ले लिया था और फिर बू ने जैनो एक्सपो टूर्नामेंट में आपका साथ भी तो दिया था और अब तो बू बिल्कुल सुधर गया है। बीरस कहता है, ओ अच्छा, लेकिन हरकत से तो नहीं लगता। अरे हाँ, उसके बाद तो ये मेन टूर्नामेंट में सो ही गया था। मिस्टर सैटन और बू वहां से गायब हो जाते हैं। बीरस कहता है, कहाँ गए वो दोनों। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो एक दुकान वाले से मिलता है। वजीटा कहता है, तो भाई साहब अपना हिसाब अब पूरा हो गया है ना। शॉपकीपर कहता है, ये तो इस महीने का हिसाब था सर, पिछले महीने का तो बाकी है। वजीटा कहता है, हाँ हाँ दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अब सीन जाता है बीरस पर और वो बोलता है, बुलमा वजीटा कहाँ गया। बुलमा कहती है, पता नहीं, आज मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, उसके बाद वो चला गया। बीरस कहता है, वजीटा को पैसे की क्या जरूरत है। तभी गोकू आता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ। बीरस कहता है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ आ सकते हो, वैसे लॉर्ड बीरस गॉड की पार्टी में आपको कितनी मार पड़ी। तभी विच बोलता है, गोकू तुम्हें पता नहीं इनके भाई चैंपा ने इनके कहाँ कहाँ हकाई मारी है, मैं बता भी नहीं सकता। बीरस कहता है, विश तुम्हें दिख नहीं रहा, यहाँ पर बुलमा खड़ी है और गोकू तुम जाकर खाना ठोसो। गोकू कहता है, ओके तो विश वो हाकाई वाली बात हम खाना खाते खाते करेंगे या फिर तुम मुझे बाद में बताओगे। बीरस कहता है, बुलमा इस गोकू को यहाँ क्यों बुलाया है। बुलमा कहती है, ओए गोकू तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। अब सीन फिर से वजीटा पर जाता है और वो कहता है, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी जाना चाहिए। तभी वहाँ आ जाता है जीको और वो बोलता है, कहाँ जा रहे हो डिस्ट्रॉयर। वजीटा कहता है, तुम यहाँ। तभी जीको वजीटा पर ब्लास्ट कर देता है और वजीटा जख्मी हो जाता है। जीको कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा हिसाब करने में जरूर आऊंगा। तभी जीको वजीटा पर एक और ब्लास्ट कर देता है। वजीटा कहता है,
लगता है तुम पिछली बार की मार भूल गए। तभी जिकोर वजीटा के एक पंच कर देता है जिससे वजीटा जमीन पर गिर जाता है। जिकोर कहता है, मैं और ज्यादा पावर्स के साथ आया हूँ। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वजीटा जिकोर पर एनर्जी से अटैक करता है मगर जिकोर आराम से बच जाता है। जिकोर कहता है, अब पिटने की बारी तुम्हारी है डिस्ट्रॉयर। तभी वजीटा और जिकोर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही तेजी से लड़ते हैं। दोनों की लड़ाई में बहुत ही धमाके होने लगते हैं। अब वजीटा अपने ब्लू फॉर्म में आ जाता है। वजीटा कहता है, आज तुम मर के ही मानोगे। अब दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं और दोनों की लड़ाई से बहुत बिजली निकलने लगती है। जिकोर कहता है, मान लो मेरी बात, तुम्हारे ये मूव्स वेस्ट हैं। अब टीम जाता है कोकू पर और वो कहता है, वजीटा अभी तक नहीं आया, क्या बात हो गई है। हे बुलमा, वजीटा कब तक आएगा। बुलमा बोलती है, पता नहीं कोकू, अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। तभी विच अचानक से सीरियस फेस बना लेता है। बीरस भी डर के मारे पूछता है, विच तुम इतने सीरियस कैसे हो गए, मैंने तुम्हें इतना सीरियस कभी नहीं देखा है, क्या हुआ, क्या बात है। विच बोलता है, लॉर्ड वजीटा खतरे में है। बीरस पूछता है, क्या वजीटा खतरे में है। गोकू कहता है, विच क्या बात है, थोड़ा खुल कर बताओ। विच कहता है, मुझे सेंस हो गया है कि लॉर्ड वजीटा की जान खतरे में है, हमें वहां जाना होगा। गोकू भी अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, विश कहां पर है वजीटा। विश बोलता है, यहां से थोड़ी दूर, चलो हमें जल्दी करनी होगी। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो जख्मी हालत पर जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। जिकोर कहता है, बेचारा डिस्ट्रॉयर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तुमने मेरे साथ लड़ाई करके खुद की मौत को बुलाया है, मैं जो बोलता हूँ ना बच्चू वो करता भी हूँ, और तुमने मुझे हल्के में ले लिया, सोचा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, देख ली मेरी ताकत। अब हमें वजीटा के अंदर की सोल नजर आती है जहाँ पर समय तेजी से जा रहा होता है। वजीटा की सोल सोचती है, क्या मैं इतना कमजोर हूँ, क्या ये सेन मुझसे ताकतवर है, इस सेन ने मुझे मरने की हालत में छोड़ दिया है, क्या यही है मेरी पावर्स, क्या यही है मेरी प्राइड। नहीं, अभी मैं हार नहीं सकता, बहुत लोगों की उम्मीदें मेरे साथ है, बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब सीन विश पर जाता है और वो बोलता है, लॉर्ड बीरस मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। बीरस बोलता है, क्या हुआ विश, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। विश कहता है, मेरी पावर जा रही है। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है। गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस विश ऐसे बात क्यों कर रहा है। बीरस कहता है, गोकू जल्दी जाओ और वजीटा को सेव करो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस लेकिन विश को हुआ क्या है। बीरस कहता है, क्या तुम भूल गए, जब कोई डिस्ट्रॉयर मरता है तो उनके एंजल्स की पावर चली जाती है और विश के साथ वही हो रहा है। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वजीटा मरने वाला है। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब कोकू वहां से गायब हो जाता है। बीरस डरते हुए कहता है, विश तुम शांत खड़े रहो, तुम्हें और वजीटा को कुछ भी नहीं हो सकता। अब सीन जाता है वजीटा की सोल पर और वो बोलता है, नालायक वजीटा, कब खड़ा होगा तू, जब सब खत्म हो जाएगा तब। जिकोर कहता है, अब टाइम हो गया है तुम्हारे जाने का डिस्ट्रॉयर। तभी कोकू वहां पहुंच जाता है और बोलता है, रुक जाओ तुम। जिकोर कहता है, अब तुम कौन हो। गोकू कहता है, अगर तुमने वजीटा की तरफ एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तुम बचोगे नहीं। जिकोर कहता है, अच्छा, क्या तुम सेंस की कोई इज्जत नहीं है क्या, तुम लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हो। गोकू सोचता है, वजीटा अभी तक उठा क्यों नहीं, लगता है अपनी ट्रिक लगानी होगी। अब गोकू जोर से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि हम सेंस अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ सकते हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि अब सेंस सिर्फ ग्रुप में ही लड़ सकते हैं। ऐसा कहकर तो तुमने वजीटा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इंसल्ट कर दी है। जिकोर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। गोकू कहता है,
वजीटा ये कब से हमारी बेइज्जती कर रहा है और तुम आराम कर रहे हो? लगता है कि मुझे तुम्हारी लाल डायरी वाली बात इसे बतानी पड़ेगी। तभी वजीटा खड़ा होता है और चिल्लाता है, कैकारोट, खबरदार जो तुमने इसे इस डायरी की बात कही, क्योंकि अब उस डायरी का हिसाब मैंने चुकता कर दिया है। अब सीन जाता है विश्व और वो स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस, अब मैं ठीक हूँ। बीरस कहता है, इसका मतलब वजीटा भी अब सेफ है। कू कहता है, वजीटा तुम उठ गए। जिकुर कहता है, ये फिर से उठ गया। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम सेंस कमजोर हैं? जिकुर कहता है, कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, चाहता तो मैं तुम्हें एक सेकंड में मार देता, मगर तुम्हारा जो ये खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं इसे तोड़ना चाहता था, और ये कॉन्फिडेंस मैं नहीं तोड़ने वाला, इसे तोड़ेगा मेरा दोस्त वजीटा। जिकुर कहता है, अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हो कि ये मुझे हराएगा? तभी वजीटा कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी थी ना, तो ठीक है। तभी वजीटा रेज में आने लगता है। जिकुर अब सीरियस हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा इसे बता दो कि तुम कौन हो। तभी वजीटा आ जाता है अपने अल्ट्राइट में। जिकुर सीरियस हो जाता है और कहता है, वाह ये तो कमाल की फॉर्म है। तभी वजीटा कहता है, ये लो मेरा कमाल का मुक्का। अब वजीटा जिकुर को पंच कर देता है और एक ही मुक्के में जिकुर की हालत खराब हो जाती है। जिकुर बोलता है, आह ये कैसे, ये फिर से इतना पावरफुल कैसे हो गया? वजीटा कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई? तभी जिकुर वजीटा पर एक ब्लास्ट करता है, मगर वजीटा जिकुर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर चुका होता है। जिकुर कहता है, ये क्या, इसे कोई असर नहीं हुआ? गोकू कहता है, तुम्हारे अटैक वेस्ट है, तुम वजीटा को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हो। जिकुर कहता है, क्या? वजीटा कहता है, क्या नहीं, अब ये खा। वजीटा जिकुर को एक और पंच मार देता है, जिससे जिकुर अब पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। जिकुर कहता है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वजीटा कहता है, ना बेटा ना, तुम्हीं ने तो मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती की, तो अब मैं ये गलती फिर से कैसे दोहरा सकता हूँ? जिकुर अब चौंक जाता है। तभी वजीटा उसे हकाई कर देता है और जिकुर का चैप्टर क्लोज कर देता है। वजीटा अब नॉर्मल हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम्हारा शुक्रिया कैकारोट। गोकू कहता है, अरे तुम मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हो, तुम्हें तो उस लाल डायरी को शुक्रिया करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि उस डायरी का नाम सुनकर तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि तुम मर के भी जिंदा हो गए। वजीटा कहता है, क्या करें कैकारोट, कुछ हिसाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुकाए बिना मर भी नहीं सकते। गोकू कहता है, तो अब चलें। वजीटा कहता है, हाँ मगर अब डायरी की बात दोबारा मत करना, मेरी जनता नाराज हो जाती है। अरे ठीक है अब चलो भी, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब सीन जाता है बुलमा पर और वो बोलती है, अब गोकू भी नहीं आ रहा, पता नहीं कि ये कहाँ गया। तभी गोकू कहता है, अरे भाई आ गए, थोड़ा सांस तो ले लो। बीरस कहता है, यहाँ लोगों की सांस जा रही है और तुम्हें सांस लेनी है। गोकू बोलता है, मेरा मतलब कि देखिए मैं वजीटा को ले आया सही सलामत। वजीटा कहता है, तुम लाए हो, ज्यादा बकवास करोगे। गोकू कहता है, अरे वजीटा इनसे मिल तो लो, ये कब से वेट कर रहे हैं। बीरस गुस्से में कहता है, वजीटा क्या तुम पागल हो, तुम कहाँ गए हुए थे? गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस इसे और डांट लगाइए, पता नहीं किस किस से झगड़ा कर लेता है। बीरस कहता है, वजीटा बताओ कि तुम किस से लड़ रहे थे? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस ये वही सेन था जिसके बारे में चैंपा ने बताया था। गोकू कहता है, अच्छा तो वो था? वजीटा कहता है, हाँ। गोकू बोलता है, तो वजीटा ये बताओ कि उस सेन ने तुम्हें इतना जख्मी कैसे कर दिया? वजीटा कहता है, क्या करोट, उस सेन ने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया, तुम समझ रहे हो ना, अगर मैं थोड़ा ध्यान देता तो वो मुझे छू भी नहीं पाता। बीरस कहता है, तुम्हें पता है वजीटा कि तुम्हारी वजह से
आज विश खतरे में आ गया था। वजीटा कहता है, विश मुझे माफ कर दो, आगे अब ऐसी गलती नहीं होगी। गोकू कहता है, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना हम खाना खा ले, वैसे भी बहुत ही भूख लग रही है। बीरस कहता है, हाँ चलो अब। बुलमा की पार्टी फिर से शुरू हो जाती है, सभी पार्टी में मौजूद होते हैं। बीरस कहता है, ओए पिकोलो, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आओ हमारे साथ खाओ। पिकोलो बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है तो तुम पहले कैसे खा सकते हो। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, पिकोलो पहले से इसलिए खा चुका है क्योंकि यहाँ पर पानी पी सकते थे और पिकोलो का खाना ही पानी है। बीरस बोलता है, ओह तो ऐसी बात है। अब हमें दिखाया जाता है वजीटा और वो थोड़ा सीरियस होता है। गोकू पूछता है, क्या बात है वजीटा, अब क्या हुआ। वजीटा कहता है, कैकरोट, भले ही हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं मगर एक अभी भी बाकी है। गोकू कहता है, तुम उस विच की बात कर रहे हो ना। वजीटा कहता है, हाँ कैकरोट, मैं जब भी उसे पकड़ने जाता हूँ वो कैसे भी करके भाग जाती है। गोकू कहता है, ओ तो टेंशन क्यों लेते हो, अगर वो वापस फिर से आती है तो उसे हम देख लेंगे। वजीटा कहता है, हाँ ठीक है। गोकू कहता है, चलो हम पार्टी में। अब पार्टी खत्म होने के बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस बोलता है, वैश, क्या तुमने वो वाली डिश ट्राई करी थी जो नूडल्स जैसे थे मगर वो नूडल्स नहीं थे। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, और तुम्हें जो मैंने काम सौंपा था विश, क्या वो तुमने किया। विश कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, मैंने पार्टी में जो कुक था उससे सभी डिश की रेसिपी लिखवा ली है। बीरस कहता है, बहुत बढ़िया विश, ऐसे ही करते रहो, फिर हम अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे। विश कहता है, अच्छा मगर लॉर्ड बीरस, बिना सैलरी के तो कोई काम नहीं करेगा। बीरस कहता है, कैसे नहीं करेगा, उसे गुलाम बनाकर करवाऊंगा। अब सीन जाता है बेलमोट और वो बहुत ही गुस्से में होता है। बेलमोट बोलता है, उस वजीटा को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, अब तो हद हो गई है क्योंकि सभी गॉड्स उस वजीटा की साइड हैं, मैं अब अकेला हूँ। तभी वहाँ आ जाता है जीरेन और वो कहता है, बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीरेन कहता है, मेरी छोड़ो, आप बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो नंबर वन पोजीशन पर होना चाहिए था। बेलमोट कहता है, तुम बहुत बोल रहे हो जीरेन। जीरेन कहता है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ लॉर्ड बेलमोट, आपने तो कर दिया, टोपो की उसकी पोजीशन को धोखे से ले लिया और उसके बाद भी आप नंबर वन की पोजीशन में नहीं आए और अब तो कोई भी आपके साथ नहीं है, यहाँ तक कि आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है। बेलमोट कहता है, जीरेन तो बकवास मत करो वरना। जीरेन कहता है, वरना क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप कमजोर हैं। अब जीरेन वहां से चला जाता है। बेलमोट कहता है, जीरेन तुम शायद मेरे दिमाग को जानते नहीं हो, मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ और अब मैं ऐसे चाल चलूंगा जिससे उस यूनिवर्स 7 वाले के होश उड़ जाएंगे। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बोलता है, अब से हमें नया काम शुरू करना है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वजीटा, अब आपको डिस्ट्रॉयर पर भी नजर रखनी है। तभी वहाँ पर आ जाते हैं चैंपा और क्यूटेला। वजीटा कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। चैंपा कहता है, वजीटा हम तो तुमसे मिलने आए हैं। वजीटा कहता है, क्या हुआ बोलो। क्यूटेला कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि हम बेलमोट को कितना जानते हैं, तो हम तुम्हें सतर्क करने आए हैं, पक्का वो कोई ना कोई चाल चलेगा। वजीटा कहता है, हाँ अब तो मैं भी उस बेलमोट को जान गया हूँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, अगर उसने इतना दिमाग अपनी ड्यूटी में लगाया होता तो पता नहीं आज वो कहाँ होता। खैर छोड़ो। चैंपा कहता है, हमें क्या करना चाहिए वजीटा। वजीटा कहता है, हमें बेलमोट पर नजर रखनी होगी, तुम में से किसी एक को बेलमोट के साथ रहना होगा। क्यूटेला बोलता है, अरे
हमारे साथ तो उसकी लड़ाई है। अगर हम साथ में रहेंगे तो वो कभी अपनी चाल नहीं चलेगा। वजीटा कहता है, तो हमें किसी और को ही उस पर निगरानी के लिए रखना होगा। मगर किसे? विश बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, बताओ विश। विश कहता है, क्यों ना आप उन्हीं के लोगों में से ये काम उनसे करवाओ। वजीटा कहता है, तुम्हारा मतलब टोपो से? विश कहता है, हाँ वो तो आपका दोस्त भी है। वजीटा कहता है, सही कहा तुमने विश। अब सीन जाता है उस विच पर और वो कहती है, इस डिस्टोर ने तो नाक में दम कर दिया, जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाता है ये। इस बारी तो बच गई मैं, लगता है कि अब इन सभी को ठिकाने लगाना ही होगा। बताया टोपो से और वो कहता है, टोपो तुम अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। टोपो कहता है, वजीटा तुम मुझसे जो हेल्प मांगोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वजीटा कहता है, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। टोपो बोलता है, कहो वजीटा क्या कहना चाहते हो तुम। वजीटा कहता है, टोपो आज तुम्हें ऐसा काम मैं दूंगा जिसे करने पर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। टोपो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं वजीटा। वजीटा कहता है, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं नंबर वन डिस्ट्रॉयर बन गया हूँ, तो मेरे ऊपर सभी यूनिवर्स की ड्यूटी है और मुझे सबके ऊपर ध्यान रखना होगा। लेकिन कंपटीशन में बेलमोड जब हारा तो उससे वो बहुत ही दुखी हुआ, इसलिए अब वो पलट कर वार जरूर करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बेलमोड की हर चाल पर नजर रखो। टोपो कहता है, मगर वजीटा लॉर्ड बेलमोड ने तो मुझे वापस से डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी दे दी है। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। टोपो कहता है, हाँ वजीटा लॉर्ड बेलमोड ने मुझे वापस से डिस्ट्रॉयर बना दिया और कहा कि अब वो इस ड्यूटी से दूर जाना चाहते हैं। वजीटा कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो टोपो। टोपो बोलता है, हाँ वजीटा ये सच है। कुछ देर बाद बीरस कहता है, इसका मतलब उस बेलमोड ने एक और बारी डिस्ट्रॉयर की पोजीशन छोड़ दी है। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। विच कहता है, लॉर्ड बीरस आपको क्या लगता है कि बेलमोड करने क्या वाला है। बीरस कहता है, पता नहीं विच, लेकिन वो बेलमोड ऐसा तो नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ कर शांत रहेगा। तो वजीटा तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना और उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, और वजीटा ये बताओ तुमने उस बीच को खत्म किया। वजीटा कहता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, इतना सब होने के बाद तो मैं आपको उस बीच की बात बताना ही भूल गया। बीरस कहता है, बताओ क्या बताना चाहते हो। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस वो बीच मुझे मिल गई थी और उस बीच को मैं उसके घर के साथ धाका ही करने वाला था, मगर आपको पता है कि उसके घर से बाहर क्या करोट आया। बीरस थोड़ा शॉक होता है, गोकू मगर वो उसके पास कैसे। वजीटा कहता है, उस बीच ने कैकरोट को अपना दोस्त बना रखा हुआ था। बीरस कहता है, वजीटा उस बीच को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो, वरना उसकी बुराई का असर हम पर भी हो जाएगा। वजीटा कहता है, आप चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, मुझे वो जहाँ मिलेगी वही पर मैं उसे मार डालूंगा। अब सीन जाता है और वो मिलता है मिस्टर सैटन से। मिस्टर सैटन कहता है, अरे गोकू मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। गोकू कहता है, क्या हुआ मिस्टर सैटन। मिस्टर सैटन कहता है, गोकू आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक संबंधी की तरह बात करूंगा। गोकू कहता है, संबंधी मतलब। मिस्टर सैटन कहता है, अरे हमारे बच्चे की शादी हुई है ना गोहान विडल की। गोकू कहता है, ओ ओके तो कहिए संबंधी जी क्या कहना है आपको। मिस्टर सैटन कहता है, गोकू ये बीरस जब भी आता है तब मेरे और बू के पीछे पड़ जाता है, तो तुम उसका कुछ करो। गोकू कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर सैटन। सैटन बोलता है, तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रांग हो। गोकू कहता है, हाँ मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूँ। मिस्टर सैटन कहता है, देखो गोकू तुम और मैं अब रिलेटिव्स हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो। गोकू कहता है, अरे आप चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस आपको कुछ नहीं कहेंगे और अगर कर भी दिया तो मैं हूँ ना आपको जिंदा करने के लिए। मिस्टर सैटन कहता है,
क्या इसका मतलब कि मुझे आकाई का दर्द झेलना होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं गोहान से बात करता हूँ, फिर वो तुम्हें समझाएगा। गोकू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर सैटन, आपकी प्रोटेक्शन मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सैटन कहता है, अच्छा तो आने दो आप उस बीरस को। गोकू कहता है, अगर आप जानबूझ के उनसे लड़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर सैटन शॉक्ड हो जाता है। अब सीन जाता है बेलमोड पर और वो कहता है, टोपो क्या हुआ? तुम्हें उस वजीटा ने क्यों बुलाया था? टोपो कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड बेलमोड, वो वजीटा नंबर वन डिस्ट्रॉयर है तो वो मुझे अपनी ड्यूटी समझाने आया था। बेलमोड कहता है, अच्छा ऐसा है, सही है, डिस्ट्रॉयर हो तो डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। टोपो पूछता है, लॉर्ड बेलमोड क्या आप वजीटा से नाराज हैं? बेलमोड कहता है, नहीं तो ये तुमसे किसने कह दिया? टोपो बोलता है, किसी ने नहीं लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड कहता है, अच्छा समझ गया मैं कि वजीटा ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हो टोपो? टोपो कहता है, नहीं लॉर्ड बेलमोड ऐसी बात नहीं है। बेलमोड कहता है, भाई मैं क्यों उससे नाराज होऊंगा, मैंने खुद दो बारी डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी छोड़ी हुई है। टोपो कहता है, जी लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड कहता है, अरे मैंने तो इस ड्यूटी को इसलिए वापस लिया था ताकि मैं तुम्हें नंबर वन डिस्ट्रॉयर बना सकूं। टोपो कहता है, मुझे और कैसे? बेलमोड बोलता है, यही तो, तुम में दिमाग ही नहीं है, तुम्हें कोई जानता नहीं, इसलिए मैं जीतने के बाद तुम्हें ही पोजीशन देने वाला था ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। टोपो कहता है, क्या आपने इतना सब मेरे लिए किया? इतनी बेइज्जती आपने मेरे लिए सही? बेलमोड कहता है, अरे तुम और चीरे तो मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, मगर मांगना मत। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोड आप कितने अच्छे हो, उस वजीटा के दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, वो कहता है कि आप जलते हो उससे। बेलमोड कहता है, आप जिसको जो कहना है कहने दो, मगर तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है? टोपो कहता है, जी लॉर्ड बेलमोड, वो लोग भले ही आपके खिलाफ जाएं, मगर मैं नहीं जाऊंगा। बेलमोड कहता है, जाओ आप ड्यूटी पर। अब टोपो वहाँ से चला जाता है। बेलमोड कहता है, तुम्हें क्या लगा वजीटा, तुम मेरे लोगों को मेरे ही खिलाफ लेकर जाओगे? तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, तुम्हें मैं नंबर वन से नंबर 12 पर ला कर रख दूंगा और फिर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। मेरी चाल जब बीरस ही नहीं जान पाया तो तुम क्या जान पाओगे। अब सीन जाता है बीच पर और वो कहती है, ये डिस्ट्रॉयर खुद को समझते क्या है, यहाँ बीच की रेस को कमजोर समझकर हमें खत्म करते रहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मैं हूँ नंबर वन बीच जो ओमनी बींग्स तक को हरा सकती हूँ। तुम सभी को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो मिलता है गोकू से। वजीटा कहता है, कैकरोट मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गोकू कहता है, कहो वजीटा क्या बात है? वजीटा कहता है, मैंने सबको उनकी ड्यूटी समझा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे लिए ड्यूटी करो। गोकू कहता है, अरे यार वजीटा मुझे इन गॉड के चक्कर में मत डालो। वजीटा कहता है, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो कैकरोट, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा, अगर हम यहाँ के गॉड्स हैं तो तुम भी यहाँ के सिटीजन हो, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ये। गोकू कहता है, क्या काम है बताओ यार? वजीटा कहता है, हम मल्टीवर्स पर ध्यान रख रहे हैं ओके, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान अर्थ पर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना होगा। गोकू कहता है, बस इतना काम? वैसे वजीटा अर्थ पर ध्यान देने की बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अर्थ को हमेशा बचाता रहता हूँ। और तभी अचानक से अर्थ पर एक झटका लगता है और अर्थ हिल जाती है। वजीटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या करो, क्या था ये? गोकू कहता है, पता नहीं वजीटा। वजीटा कहता है, तुम यहीं रुको, मैं स्पेस में देख कर आया। अब वजीटा वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, अब फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बोलता है, हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर अर्थ को किसने हिलाया? अब वजीटा वापस से अर्थ में आता है। गोकू बोलता है, वजीटा क्या हुआ, किसने की ऐसी हरकत? वजीटा कहता है,
वहाँ तो कोई नहीं है कैकरोट। गोकू बोलता है, अजीब बात है। वेजिटा कहता है, छोड़ो मैं अब जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। गोकू बोलता है, ठीक है वेजिटा। अब वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा राउंड मार लेता हूँ। अब गोकू उड़कर अर्थ के चक्कर लगाने लगता है। गोकू कहता है, यार मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर ली हो। चलो पुलिस ही सही, अर्थ की रखवाली तो करनी ही है। तभी गोकू को उस विच का घर दिखाई देता है। गोकू बोलता है, ये क्या, ये तो उसी विच का घर है जिसे वेजिटा ने तबाह कर दिया था, मगर ये यहाँ पर कैसे? कहीं वो विच यहाँ तो नहीं आ गई? मुझे चलकर देखना होगा कि बाजरा क्या है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और बीरस पर। बीरस कहता है, वेजिटा एक बात मैंने उस विच के बारे में तुम्हें नहीं बताई ताकि तुम कमजोर ना पड़ो। वेजिटा बोलता है, कहो लॉर्ड बीरस क्या बात है? बीरस बोलता है, वो विच कमजोर नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल विच है और उसकी ताकत भी खास तरीके की है। वेजिटा कहता है, खास तरह की मतलब? बीरस बोलता है, वो विच जिसे देख लेती है उसे वो। तभी विच बोलता है, लॉर्ड बीरस और लॉर्ड वेजिटा, वो विच अर्थ में है, उसने एक बार अपनी पावर का इस्तेमाल भी किया है। बीरस अब शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप रुकिए, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। वेजिटा मैं भी चलता हूँ। वेजिटा बोलता है, नहीं विश, तुम लॉर्ड बीरस का ध्यान रखो, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मिलता है उस विश से। गोकू कहता है, जिनीबा तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जिनीबा कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? गोकू कहता है, ज्यादा भोली मत बनो, तुम अब बच नहीं सकती। जिनीबा बोलती है, अरे लेकिन ये तो बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गोकू कहता है, क्योंकि मेरा दोस्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें खत्म करना चाहता है क्योंकि तुम बुरी हो। जिनीबा बोलती है, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे जो कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गोकू अब सोचने लगता है। जिनीबा बोलती है, डिस्ट्रॉयर का तो काम ही यही होता है कि वो किसी पर भी शक करके उसे खत्म कर दे, उन्हें किसी की भी फिक्र थोड़ी होती है कि कौन बेकसूर है, उन्हें तो बस अपनी टेंशन को खत्म करना होता है। गोकू कहता है, मेरे दोस्त ने तुम्हें खत्म कर दिया था, फिर तुम वापस कैसे आई? जिनीबा कहती है, जिस घर को तुम्हारे दोस्त ने उड़ाया था वो बस तुम्हारा मित था। गोकू कहता है, इसका मतलब वो असली घर नहीं था, मगर ये कैसे हुआ? जिनीबा कहती है, यही तो है मेरे मैजिक का कमाल। गोकू बोलता है, तुम बहुत चालाक हो, वेजिटा ने तुम्हारे बारे में बताया था। जिनीबा बोलती है, अगर तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ तो मार दो मुझे और बन जाओ तुम्हारे ही दोस्त के जैसे। गोकू कहता है, ठीक है अब तुम डायरेक्ट ऊपर जाओगी। अब गोकू जिनीबा की तरफ अपनी एम करता है। जिनीबा बोलती है, सोच क्या रहे हो, खत्म करो मुझे और तुम भी टेंशन फ्री हो जाओ। गोकू बोलता है, आह मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्यों मैं शूट नहीं कर पा रहा? जिनीबा बोलती है, देखा तुमने, तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है, तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ। गोकू कहता है, मगर मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिनीबा कहती है, भरोसा करना ठीक है लेकिन इंसाफ तो इंसाफ होता है, तुम किसी बेकसूर को नहीं मार सकते हो। तभी वेजिटा जिनीबा पर एक ब्लास्ट कर देता है। जिनीबा वेजिटा को देखकर घबरा जाती है। गोकू भी वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, उसे क्या बातों में फंसा रही हो, विच हिम्मत है तो मुझसे बात करो। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, क्या करोट, कहीं तुम इसके साथ तो नहीं मिले हुए हो? गोकू शॉक होकर कहता है, नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है, कैकरोट मैंने तुम्हें समझाया था ना, फिर तुमने क्यों इसे अभी तक नहीं मारा? गोकू बोलता है, पता नहीं वेजिटा, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। वेजिटा बोलता है, ठीक है अब मैं इसे खत्म करूंगा। तभी वेजिटा कहता है, खेल खत्म विच।
बहुत भाग ली तुम, अब थोड़ा आराम भी कर लो। तभी वजीटा हकाई एनर्जी निकालता है। तभी जिनीबा अपना मैजिक कर देती है और वजीटा के सामने आ जाता है एक और वजीटा। वजीटा और गोकू वजीटा को देखकर चौंक जाते हैं। वजीटा कहता है, ये क्या? गोकू बोलता है, वजीटा ये तो तुम हो। तभी वजीटा मैजिक वजीटा पर हकाई बॉल मारता है। मैजिक वजीटा उस बॉल को कंट्रोल कर लेता है और स्माइल करता है। वजीटा अब शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, जिनीबा ये क्या मजाक है? जिनीबा बोलती है, क्या करूं गोकू, इस डिस्ट्रॉयर ने मेरे पास और कोई चारा नहीं छोड़ा। वजीटा कहता है, इसे तो मैं। तभी मैजिक वजीटा वजीटा के बीच में आ जाता है। जिनीबा बोलती है, इसे संभाल लेना मेरे वजीटा। अब जिनीबा वहां से गायब हो जाती है। वजीटा कहता है, कैकारोट वो भाग गई, मैं इस डुप्लीकेट को छोड़ूंगा नहीं। तभी वो मैजिक वजीटा वजीटा को एक पंच कर देता है, जिससे वजीटा थोड़ा पीछे हट जाता है। गोकू बोलता है, वजीटा इसे मैं संभालता हूँ। तभी गोकू मैजिक वजीटा के एक किक कर देता है, जिससे मैजिक वजीटा दूर गिरता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि दूसरा वजीटा भी नीचे गिर जाता है। गोकू बोलता है, अरे वजीटा क्या कर रहे हो? वजीटा कहता है, पता नहीं कैकारोट, तुमने उसे किक मारी मगर चोट मुझे भी लग रही है। गोकू बोलता है, ऐसा भी होता है क्या? रुको तुम। तभी गोकू मैजिक वजीटा पर एक की ब्लास्ट कर देता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वजीटा दर्द से चिल्ला रहा होता है। गोकू कहता है, वजीटा एक्टिंग करना बंद करो। वजीटा कहता है, कैकारोट तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें एक्टिंग लग रही है। अब मैजिक वजीटा स्माइल करने लगता है और वो गोकू पर एक धमाका कर देता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। वजीटा कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है कि तुम बस उस बीच का जादू हो। तभी वजीटा सुपर सेन ब्लू में आ जाता है। वजीटा कहता है, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी मैजिक वजीटा भी सुपर सेन ब्लू में आ जाता है, जिसे देखकर वजीटा शॉक हो जाता है। वजीटा कहता है, कैकारोट ये क्या हो रहा है? गोकू कहता है, वजीटा तुम रुको, इसे मैं देखता हूँ। अब गोकू भी आ जाता है अपनी ब्लू फॉर्म में। मैजिक वजीटा हंसने लगता है। गोकू कहता है, तुम्हारी हंसी के पीछे का राज क्या है? तभी मैजिक वजीटा गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू भी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में तेजी से लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। दूसरी तरफ वजीटा कहता है, ये क्या, मैं बस खड़ा हूँ मगर मेरी एनर्जी क्यों जा रही है, मैं थक क्यों रहा हूँ। तभी गोकू मैजिक वजीटा को पंच कर देता है, इससे वजीटा को दर्द होता है। गोकू और मैजिक वजीटा फाइट में लगे हैं। वजीटा बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तभी मैजिक वजीटा गोकू के कई पंचेस कर देता है, जिससे गोकू अब जख्मी होने लगता है। गोकू कहता है, इसे हराने के लिए मुझे अब अपनी पावर दिखानी होगी। अब गोकू नॉर्मल हो जाता है। अब मैजिक वजीटा स्माइल करने लगता है। गोकू बोलता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ, तो मैंने हार मान ली, मगर ऐसा नहीं है। तभी गोकू अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में आ जाता है। गोकू कहता है, मैं नॉर्मल हुआ था इस चीज के लिए। मगर मैजिक वजीटा के चेहरे से स्माइल नहीं जाती। वजीटा अब नॉर्मल हो चुका है। वजीटा कहता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, इसकी स्माइल से ये इवी लग रहा है, लेकिन मुसीबत तो ये है कि कैकारोट इसे मार रहा है, तो मुझे क्यों लग रही है। गोकू कहता है, अब आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मैजिक वजीटा गोकू को पंच मारता है, मगर गोकू आराम से बच जाता है। तभी गोकू मैजिक वजीटा के पंच कर देता है, लेकिन असली वजीटा अब और जख्मी हो जाता है। वजीटा कहता है, ऐसा चलता रहा तो मैं बिना लड़े ही मारा जाऊंगा। तभी वजीटा गोकू को आवाज लगाता है और कहता है, कैकारोट रुक जाओ। गोकू बोलता है, क्या हुआ वजीटा? वजीटा कहता है, जाने दो से। गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वजीटा कहता है, अरे उसे जाने दो, यहाँ मेरी हालत टाइट हो गई है।
गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा मैजिक वेजिटा से कहता है, अरे तुम मेरी कॉपी, जाओ तुम यहाँ से। अब मैजिक वेजिटा स्माइल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं बस उसे खत्म ही करने वाला था। वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि जब भी उस पर हमला कर रहे थे तुम तो मुझे ही चोट लग रही थी। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो विच ऐसे ही यहाँ से चली गई? उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। गोकू कहता है, वैसे वेजिटा उसके साथ लड़कर ऐसा ही लग रहा था जैसे सामने तुम हो। वेजिटा कहता है, इसलिए तुम उसे इतने मजे से मार रहे थे? गोकू कहता है, नहीं यार, मैं तो बस खुद को बचा रहा था। वेजिटा कहता है, चुप करो कैकरोट। गोकू कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं लॉर्ड बीरस के पास जाकर आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ। गोकू कहता है, हाँ पूछो वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारे पास सेंजोबिन मिलेगा? गोकू अब स्माइल करता है। कुछ देर बाद बीरस कहता है, तो तुम्हारा उस विच से सामना हो ही गया? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर वो मेरे सामने से ऐसे गई जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बीरस कहता है, अच्छा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं उस विच को मारने वाला था, मगर उस विच ने अपने जादू से एक और वेजिटा बना दिया। बीरस अब शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब कैकरोटो से मार रहा था तब दर्द मुझे क्यों हो रहा था? बीरस कहता है, वेजिटा, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। वेजिटा कहता है, क्या मतलब, आप इसके बारे में जानते हो? बीरस बोलता है, हाँ वेजिटा, और आगे से तुम गोकू को अपने साथ मत रखना। वेजिटा पूछता है, मगर क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वेजिटा, तुम्हें उस विच के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? बीरस कहता है, वेजिटा, अब जो मैं तुमसे कहूंगा उसे तुम ध्यान से सुनना। अरे दोस्तों, कल के लिए भी कुछ बचा लो, सारी स्टोरी आज ही सुन लोगे तो क्या है बीरस की वो जरूरी बात हम कल सुनेंगे आपके साथ, तो आना मत भूलना। और इस वीडियो में मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।